एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी और यमी गुजराती रेसिपी है। जी हाँ, ढोकला तो आपने बहुत खाया होगा। यहाँ पर मैं दाल ढोकला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। कई जगहों पर इसमें दही का इस्तेमाल भी किया जाता है, बट मैंने इसमें दही का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो जो वेगन लोग हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ढोकला का टेक्सचर देख सकते हैं, किस तरह की जाली आई है। और इसका टेस्ट जो बेसन वाला ढोकला हम खमन बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं दाल ढोकला की रेसिपी। दाल खमन बनाने के लिए एक कप चने की दाल लेंगे, एक चौथाई कप चावल लेंगे। मैंने यहाँ पर चने की दाल और चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें खुली अमाउंट में पानी डाल देंगे ताकि 4 घंटे के लिए हमने भिगो देंगे, अच्छे तरीके से भीग जाए। तो मैं भी इसी तरह से छोड़ दूंगी 4 घंटे के लिए और उसके बाद इसे हम खमन बनाएंगे। यहाँ पर चने की दाल और चावल अच्छे से भीग चुके हैं तो अब हम इसका बैटर बनाएंगे, यानी कि इसको पीस लेंगे। उसके लिए पानी निकाल देंगे इसमें से, तो हम इससे एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकाल देंगे। और अब हम इस चने की दाल को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। इसमें हम लगभग 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए बैटर पीस करके रेडी है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बैटर होना चाहिए, अगर दानेदार होगा तो ढोकले में भी दाने आएंगे। इसको हम इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी के करीब हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक फर्मेंटेशन के लिए। आप चाहें तो इसे इसी समय पर बना सकते हैं, बट मैं इसे फर्मेंट करने के बाद बनाऊंगी जिससे कि इसका प्रॉपर टेस्ट आता है। बिल्कुल असली गुजराती ढोकला बनेगा इससे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे फर्मेंट होने के लिए लगभग 4 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है तो 4 घंटे में इजिली फर्मेंट हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये काफी थिक लग रहा है इस टाइम पर। मैंने 1/2 कप पानी पहले डाला था, यहाँ पर 1/2 कप पानी और डाल देंगे। और अब हम इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए साइड पर रख देंगे। नमक फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो इसे ढक करके मैं 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और अगर आपके एरिया में ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप इसे 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो मैंने बैटर को 4 घंटे के लिए रखा था, बट 4 घंटे के बाद ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ था तो मैंने 2 घंटे के लिए और रख दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक उठ गया है और काफी झाग झाग सा दिख रहा है। दाल ढोकले का बैटर इस तरह से फर्मेंट होगा तो ढोकला बहुत ही बढ़िया बनता है। और अगर ये प्रॉपरली फर्मेंट ना हो तो आप इनो या सोडा का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है, हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंटेड है। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ढोकला बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और 2 हरी मिर्च कुटी हुई है यहाँ पर, तो इनसे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। तो हम इन्हें मिक्स कर देंगे। ये भी थोड़ा थिक है बैटर, इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि बैटर थोड़ा सा ठीक कंसिस्टेंसी पर आ जाए। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया है इस टाइम पर। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इसे और भी फ्लफी बनाने के लिए 1/2 टीस्पून इनो ऐड कर रही हूँ मैं। इनो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम ढोकला स्टीम होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है और इसको मैं ग्रीस कर लूंगी। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप कोई भी थाली या कोई इस तरह का स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल से ग्रीस किया है। अब हम इसमें ढोकला बैटर डाल देंगे। हम इसे बहुत ज्यादा फिल नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे इतना ही फिल किया है ताकि ढोकला जो है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए ये 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी का जो बैटर है मैं किसी और बर्तन में डाल करके स्टीम कर लूंगी। जैसे ही इसमें ये देखिए स्टीम बनने लगी है, मैंने कढ़ाई को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें रख देंगे कोई स्टैंड या कोई भी आप इस तरह का स्टैंड रख सकते हैं, कोई कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें रख देंगे ये बैटर और इसको कवर कर देंगे। मीडियम हीट पर पकाएंगे इसको। लगभग 1/2 घंटा लगेगा इससे स्टीम होने में। तो बीच बीच में हम ये लिड के अंदर की तरफ जो पानी आ जाएगा उसको हम इस तरह से निकाल देंगे, या आप इसको क्लीन करके लगा दें। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर की तरफ कोई कपड़ा बांध सकते हैं, बट उससे कई बार आग लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसी तरह से बीच बीच में इसको क्लीन करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए ढोकला किस तरह से फूल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम कवर कर देंगे, फिर से इसको छोड़ देंगे पकने के लिए।
तो ये देखिए इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। आप बीच में ये भी चेक कर सकते हैं कि नीचे पानी खत्म तो नहीं हो गया है, अगर पानी खत्म हो गया है तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं साइड से। तो अब हम इसको सेंटर से चेक करेंगे। ये देखिए अभी ढोकला इस पर चिपक रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और इसे हम कुक होने देंगे। तो ये देखिए इसे 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम फिर से चेक कर लेंगे। ढोकला अब हल्की हल्की साइड छोड़ने लगा है, इसका मतलब रेडी होने वाला है, तो हम इसे फिर एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई भी रेजिड्यू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ढोकला कुक हो चुका है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे स्टीमर से निकाल लेंगे। काफी गर्म है तो इसे बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ढोकले का कलर कितना बढ़िया आया है, तो हम इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर ढोकला ठंडा हो चुका है और ये वो वाला ढोकला है जो कि हमने थोड़े से बैटर से बनाया था। तो अब देख सकते हैं, देखिए कितना स्पॉन्जी दिख रहा है इस टाइम पर ये। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, उसके लिए यहाँ पर हल्का सा नाइफ घुमा लेंगे ताकि इजिली निकल आए। कई बार होता ही है कि आप जब चेक करते हैं तो आपको लगता है कि ढोकला अनकुक्ड है, थोड़ा सा बैटर चिपक जाता है। वो इसलिए होता है कि ये दाल चावल का ढोकला है, और जब आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाएगा सरफेस पर से। तो आप घबराए नहीं है, 35 मिनट्स के बाद आप इसे डेफिनेटली एक बार चेक करें। अगर हल्का सा रेसिड्यू है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे निकाल लें। देखिए मैं इसे प्लेट पर निकाल लूंगी। ये देखिए वाओ, बहुत ही इजीली निकल आता है। ये देखिए कितना क्लीन और कितनी आसानी से निकल आया है। ये देखिए आप इसकी साइड्स पर जाली देख सकते हैं, कि आपको जाली दिखाई दे रही होगी। तो थोड़ा सा इधर से भी ठंडा होने देंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ से हल्का सा मॉइस्ट है। तो ये देखिए ढोकला किस तरह का है, पास से दबाने पर इससे आवाज भी आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे कट करने से पहले हम इसका तड़का रेडी करेंगे। ढोकले का तड़का बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच तिल, थोड़ी सी हींग, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 4 से 5 करी पत्ते। इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, खीरा लगी हुई हरे मिर्च, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1 नींबू का रस, जिससे कि ढोकले में खट्टा मीठा स्वाद आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। तड़का रेडी है, गैस बंद कर देंगे। तो ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आप पीसेस का साइज कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ढोकले का टेक्सचर किस तरह का है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो ये मैं साइड के पीसेस निकाल लूंगी क्योंकि मुझे इससे ढोकला चाट बनानी है। अब हम इस पर ये ढोकले वाला तड़का डाल देंगे। तो ये देखिए ढोकला कितना बढ़िया बना है। इसी के साथ हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी, कितना जूसी ढोकला है। और ये चना दाल का ढोकला है, आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। तो अगर आपको ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की नई नई रेसिपीज के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।